मुंबई से सटे कल्याण की कोलसेवाड़ी पुलिस ने ऐसे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो इंस्टाकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग के सामानों की चोरी करके उसे बेच दिया करते थे। कंपनी मैनेजर की शिकायत पर कोलसेवाड़ी पुलिस मामला दर्ज करके सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी राहुल पंडित और सागर शिंदे को गिरफ्तार किया और उनके तीसरे साथी अमन खान की तलाश में जुट गई। पुलिस के अनुसार 12 फरवरी की रात 3 अज्ञात लुटेरों ने गोडाउन के बाथरूम की ग्रिल तोड़कर इंस्टाकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग के ऑफिस में चोरी कर करीब करीब 5 लाख रुपयों का सामान चुरा कर फरार हो गए थे। उसके बाद पुलिस की गहन जांच के बाद पुलिस ने तीन में से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पेश है हमारे कल्याण के संवाददाता संजीव चौधरी की यह खास रिपोर्ट। पिछले महीने फरवरी में 12-2 फरवरी को हमें हॉस्पिटल के सामने इंस्टाकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये ऑनलाइन डिलीवरी की कंपनी है, उनका वहाँ पे ऑफिस भी है और उनका गोडाउन भी है। तो 12 तारीख के रात को और 13 तारीख के सुबह तक उस इंस्टाकार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑफिस या गोडाउन में से तकरीबन 5,19,000 रुपये का माल चुराया गया था, जिसमें 17 मोबाइल थे, बाकी डिलीवरी के आइटम्स थे, शूज़ होंगे, ऐसा बाकी बहुत बहुत सारा आइटम था। ऐसे 5,19,000 की चोरी वहाँ से हुई थी। जब घटना घड़ी तब मेरे साथ PI क्राइम API बूथ, हम तीनों स्पॉट पे गए थे, वहाँ का CCTV फुटेज भी हमने प्राप्त किया था और हमारी डिटेक्शन ब्रांच के API पगारे, API बोसरे ये तफ्तीश में पूरी तरह से जुटे हुए थे। 2-4 दिन पहले जो चोरी हो गए थे मोबाइल, उसमें से एक मोबाइल जालना में एक्टिवेट हुआ ऐसा हमारे ध्यान में आया। फिर API बोसरे और उनकी टीम जालना गई। जालना से उन्होंने सबसे पहले राहुल पंडित नाम के जो आरोपी था उसको उठाया। फिर उसने ये गुनाह कबूल किया, उसने बताया कि उसके साथ और सागर शिंदे और अमन फुगन खान ऐसे दो अन्य आरोपी भी है। उसके ये मालूमात के आधार पर हमने सागर शिंदे को भी तुरंत कब्जे में ले लिया और जो अमन खान है उसके पीछे पुलिस पूरे जोर शोर से उसकी तफ्तीश कर रही है, वो भी जल्दी पकड़ा जाएगा। इस घटना के इसमें जो राहुल पंडित है उसने नेरल या कोपर खरने में से एक पहले 12 तारीख को ऑटो रिक्शा चुराई थी, वो ऑटो रिक्शा लेकर वो 12 तारीख को कल्याण आया था। फिर बाद में ये वो अमन को मिला, अमन और राहुल ये उल्लासनगर में सागर शिंदे के घर को गए, रात को 10 बजे उसको वहाँ से पिकअप करा और पिकअप करने के बाद वो इंस्टाकार्ट पर आए और वहाँ पे ऑटो रिक्शा खड़ी करके बाजू में से जो जगह है उसमें से उन्होंने इंस्टाकार्ट के बाथरूम में पहले एंट्री की और बाथरूम के दरवाजे से होते हुए ऑफिस में जाकर उन्होंने ये बड़ी चोरी की थी। जो 5,19,000 का जो माल चोरी हो गया उसमें से 50% तकरीबन 2,16,000 का माल हमने रिकवर भी कर लिया है और अगर अमन जब मिल जाता है तो बाकी माल भी हम पूरा रिकवर करेंगे। इनका बैकग्राउंड राहुल पंडित के खिलाफ कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में 379 यानी चोरी के गुना दाखिल है और MFC में एक गुना दाखिल है। सागर शिंदे के खिलाफ सेंट्रल पुलिस स्टेशन उल्लासनगर में गुने दाखिल है और जो अमन खान है उसके खिलाफ नारपोली और भिवंडी ये पुलिस स्टेशन में चोरी और घरफोड़ी के गुने दाखिल है। हम उनका रिकॉर्ड पूरा हमने मालूम किया है और उस हिसाब से उनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन भी हम जल्दी ही करेंगे।